मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पहुंचे वृंदावन। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। गूंजा अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प, जहां धर्म नहीं विजय है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग कालीदह स्थित अखंड दयाधाम में धर्म रक्षा संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अधिवेशन का उद्घाटन एवं प्रथम सत्र संतों के आशीर्वचन से प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज, स्वामी गोविंदानंद तीर्थ महाराज, महामंडलेश्वर मनीषी आचार्य कौशिक महाराज, साध्वी ध्यानमूर्ति महाराज एवं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी उपस्थित रहे। अधिवेशन के प्रथम सत्र की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज ने की। गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने संबोधन करते कहा कि जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय होती है। धर्म को लेकर के जिसके भी मन में भी कोई संशय है, उसको आज दूर करने की आवश्यकता है। यद्यपि भगवान श्री राम लला विराजमान हुए हैं, माहौल पूरा धर्ममय है, यहाँ तक कि मुस्लिम भी हमारे धर्म से आकर्षित होकर के अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, तथापि कुछ विरोधाभासी विचारों के जो लोग हैं और जिनकी मानसिकता अत्यंत दूषित है, हमें इन बुराइयों को दूर करने और सनातन धर्म को और अधिक से अधिक मजबूत करने का संकल्प लेना है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र के उपरांत द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के आए हुए पदाधिकारी के साथ संगठन के विस्तार एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। इसके बाद तृतीय एवं समापन सत्र में फूलों की होली व रासलीला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़, राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद स्वामी, सत्यमित्रानंद स्वामी, देव आनंद परमहंस आदि उपस्थित हुए। कई सौ छात्र जो संस्कृत छात्रों को शिक्षा प्रदान की, मुझे भी मौका मिलता है। इस समय पूरे विश्व में सनातन धर्म से नागरिक एक माहौल बना हुआ है। सनातन धर्म से ही विश्व का कल्याण संभव है, इसलिए धर्म रक्षा संघ का इस समय और विशेष रूप से कर्तव्य हो जाता है। इस आदरणीय मोदी योगी जी ने जो एक माहौल दिया है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सरकार पूरी तरह से एक सनातन धर्म विश्व कल्याण का एक मार्ग है, सरकार भी पूरी तरह से इस उनके धर्म रक्षा संघ सनातन धर्म के प्रचार के लिए, विश्व कल्याण के लिए सरकार भी इस समय हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से पालन कराते हुए बढ़ेंगे, तो निश्चित है आगे आने वाले समय सनातन धर्म का छा है और रहेगा। बच्चा उस मानव जाति की कैसे सुरक्षा हो, कैसे उसको आगे संरक्षण प्राप्त हो, लोगों में प्यार प्रेम कैसे बढ़े, उसके लिए जो हमारी जो मूल मानव जाति की जो मूल परंपरा है, मातृदेव हुआ, आचार्य देव हुआ, अतिथि देव हुआ, पितृदेव हुआ।